स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ए अंजुम मौदगिल, बी अपूर्वी चंदेला, सी मनु भाकर, डी हीना सिद्धू। आंसर सी मनु भाकर। एक्सप्लेनेशन, झज्जर में जन्मी मनु भाकर ने 28 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया, जिससे वह निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। यह मनु भाकर का दूसरा ही ओलंपिक है। उन्होंने पिछले यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 में डेब्यू किया था, लेकिन 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन राउंड के दौरान उनकी पिस्टल खराब हो गई थी। अगला प्रश्न, पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या है? ए द ईगल्स, बी द फ्रीजेस, सी द ज्यूस, डी द ओलंपस। आंसर बी द फ्रीजेस। एक्सप्लेनेशन, 2024 पेरिस ओलंपिक का शुभंकर फ्रीजेस है। इसे पारंपरिक फ्रांसीसी फ्रीजियन टोपी पर डिजाइन किया गया है, जो स्वतंत्रता और फ्रांसीसी गणराज्य के प्रतीकों का प्रतिनिधित्व करता है। यह नीले, सफेद और लाल रंग से रंगा हुआ है, जो फ्रांस के झंडे का प्रतिनिधित्व करता है, और इसके सीने पर सुनहरे पेरिस 2024 का लोगो लगा हुआ है। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में नए एम्स बनाया जाएगा? ए दरभंगा, बी मुजफ्फरपुर, सी समस्तीपुर, डी गया। आंसर ए दरभंगा। एक्सप्लेनेशन, केंद्र सरकार ने बिहार राज्य को एम्स निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है। इसका निर्माण दरभंगा जिले के शोभन स्थित बाईपास के पास प्रस्तावित जमीन पर होगा। इस सिलसिले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार सरकार को पत्र लिखकर जल्द से जल्द भूमि को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। राज्यसभा सदस्य संजय झा ने ये जानकारी दी है। अगला प्रश्न, पुरावशेषों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए भारत और अमेरिका ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? ए पुरावशेष प्रत्यावर्तन समझौता, बी बौद्धिक संपदा समझौता, सी व्यापार सुविधा समझौता, डी सांस्कृतिक संपत्ति समझौता। आंसर डी सांस्कृतिक संपत्ति समझौता। एक्सप्लेनेशन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारतीय पुरावशेषों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए एक सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर 26 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में चल रहे संयुक्त राष्ट्र सांस्कृतिक और शैक्षिकी संगठनों यूनेस्को की विश्व विरासत समिति के 46वें सत्र के मौके पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता अमेरिकी सीमा शुल्क द्वारा जब्त की गई तस्करी की गई भारतीय कलाकृतियों को वापस लाने में मदद करेगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के 85वें स्थापना दिवस कब मनाया गया? ए 26 जुलाई, बी 27 जुलाई, सी 28 जुलाई, डी 29 जुलाई। आंसर बी 27 जुलाई। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने 27 जुलाई को अपना 85वां स्थापना दिवस मनाया। CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 में अंग्रेजों द्वारा देश में विशेषकर रियासतों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक विशेष बल के रूप में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने 1949 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF अधिनियम पारित किया। भारत के किन प्रतिभागियों ने 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में स्वर्ण पदक जीते? ए रिदम केडिया और आकाश राज सहाय, बी आकाश राज सहाय और भव्य तिवारी, सी वेद लाहोटी और जयवीर सिंह, डी रिदम केडिया और वेद लाहोटी। आंसर डी रिदम केडिया और वेद लाहोटी। एक्सप्लेनेशन, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ईरान के इस्फहान में 21 जुलाई से 29 जुलाई तक आयोजित 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते। छत्तीसगढ़ के रिदम केडिया और मध्य प्रदेश के वेद लाहोटी ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि महाराष्ट्र के आकाश राज सहाय, उत्तर प्रदेश की भव्या तिवारी और राजस्थान के जयवीर सिंह को रजत पदक से सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में 43 देशों के कुल 193 छात्रों ने भाग लिया। अगला प्रश्न, दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है? ए 35.2%, बी 48.5%, सी 52.1%, डी 60.7%। आंसर बी 48.5%। एक्सप्लेनेशन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के लगभग आधे डिजिटल भुगतानों के लिए जिम्मेदार है, जो वैश्विक वास्तविक समय भुगतान मात्रा में 48.5% हिस्सेदारी रखता है। भारत वैश्विक प्रेषण में दुनिया में सबसे आगे है और 2023 में उसे 115.3 बिलियन अमरीकी डॉलर प्राप्त हुए। अगला प्रश्न, किस राज्य ने नीति आयोग मॉडल पर आधारित थिंक टैंक GRIT स्थापित करने का निर्णय लिया है? ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात,
डी महाराष्ट्र। आंसर सी गुजरात। एक्सप्लेनेशन, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने नीति आयोग के मॉडल पर आधारित थिंक टैंक गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिड की स्थापना की घोषणा की। ये राज्य के लिए एक सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। पटेल ने विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात के लक्ष्य को साकार करने के लिए गुजरात 2047 डायनामिक डॉक्यूमेंट रोडमैप भी पेश किया। अगला प्रश्न, 2024 में महिला एशिया कप का खिताब किसने जीता? ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भारत, डी श्रीलंका। आंसर डी श्रीलंका। एक्सप्लेनेशन, 28 जुलाई 2024 को श्रीलंका के दाम्बुला के रंगेरी दाम्बुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए 9वें महिला क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका ने भारत को 8 गेंद शेष रहते 8 विकेट से हराया। एशिया कप के इतिहास में श्रीलंका महिला क्रिकेट एशिया कप जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है। भारत ने इसे 7 बार और बांग्लादेश ने 1 बार जीता है। अगला प्रश्न, सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में कितने बाघों की मौत हुई है? ए 628, बी 650, सी 983, डी 985। आंसर ए 628। एक्सप्लेनेशन, सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 5 साल में प्राकृतिक और अवैध शिकार सहित अन्य कारणों से कुल 628 बाघों की मौत हुई। भारत में इस अवधि के दौरान बाघों द्वारा हमला किए जाने से कुल 349 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो वहीं इनमें अकेले महाराष्ट्र में 200 लोग मारे गए हैं। 2023 में बाघों की मौत की संख्या भी 2012 के बाद से सबसे अधिक है। 2024 पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में मनु भाकर की जोड़ीदार कौन थी? ए अभिषेक वर्मा, बी सरबजोत सिंह, सी राजीव शर्मा, डी सौरभ चौधरी। आंसर बी सरबजोत सिंह। एक्सप्लेनेशन, मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में दक्षिण कोरिया को 16-10 से हराकर सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। मनु भाकर ने 30 जुलाई 2024 को स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में कई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। अगला प्रश्न, इंग्लिश चैनल को अकेले सफलतापूर्वक पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा स्विमर कौन है? ए जे आर आय, बी दीपा मलिक, सी ऋचा मिश्रा, डी देवांशी सतीजा। आंसर ए जे आर आय। एक्सप्लेनेशन, मुंबई की 16 साल की दिव्यांग जे आर आय इंग्लिश चैनल अकेले तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की सबसे तेज महिला पैरा तैराक बन गई हैं। उन्होंने 28 से 29 जुलाई के बीच इंग्लैंड के एबॉट्सक्लिफ से फ्रांस के पॉइंट डेला कोटे ड्यून तक 34 किलोमीटर की दूरी 17 घंटे 25 मिनट में तय की। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित होने के बावजूद जिया अंतर्राष्ट्रीय ओपन वाटर पैरा तैराक है। जिया राय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 की प्राप्तकर्ता है, जो 18 वर्ष से कम आयु के नागरिकों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला प्रश्न, मोंगला पोर्ट टर्मिनल जिसके लिए भारत ने परिचालन अधिकार प्राप्त किए हैं वह कहां स्थित है? ए म्यांमार, बी थाईलैंड, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। आंसर सी बांग्लादेश। एक्सप्लेनेशन, भारत ने बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल के ऑपरेशन का अधिकार जीत लिया है, जो एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कामयाबी है और ये एक ऐसा कदम है जिसका क्षेत्रीय गतिशीलता खास तौर पर चीन को हिंद महासागर में काउंटर करने के लिए बड़ा प्रभाव है। मोंगला बंदरगाह चटगांव के बाद बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और ईरान में चाबहार और म्यांमार में सितवे के बाद हाल के वर्षों में विदेशी बंदरगाहों के प्रबंधन के लिए भारत को मिली तीसरी बड़ी कामयाबी है। अगला प्रश्न, जुलाई 2024 के दौरान केरल के किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ? ए कोझिकोड, बी इडुक्की, सी मलप्पुरम, डी वायनाड। आंसर डी वायनाड। एक्सप्लेनेशन, 30 जुलाई 2024 को भारत के केरल के वायनाड जिले में मंगलवार को मूसलाधार बारिश की वजह से हुए भूस्खलन ने केरल के पर्यटन स्थल वायनाड में करीब 3 गांवों को तहस नहस कर दिया। इन भूस्खलनों के परिणाम स्वरूप 276 से अधिक मौतें हुई और 200 से अधिक लोग घायल हुए, जिससे ये केरल के इतिहास में सबसे घातक भूस्खलन बन गए। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में निशानेबाजी में भारत के लिए तीसरा पदक जीतने वाला कौन है? ए सरबजोत सिंह, बी सौरभ चौधरी, सी राजीव शर्मा, डी स्वप्निल कुसले। आंसर डी स्वप्निल कुसले।
एक्सप्लेनेशन। अपना पहला ओलंपिक खेल रहे भारत के स्वप्निल कुसाले ने गुरुवार को पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशंस में भारत को पहली बार कांस्य पदक दिलाया। क्वालिफिकेशन में सातवें नंबर पर रहे स्वप्निल ने 8 निशानेबाजों के फाइनल में 451.4 स्कोर करके तीसरा स्थान हासिल किया। भारत का इन खेलों में ये तीसरा कांस्य है। इससे पहले मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल और सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम वर्ग में कांस्य जीता था। भगवान राम पर आधारित विश्व का पहला डाक टिकट किस देश ने जारी किया? ए कंबोडिया, बी सिंगापुर, सी लाओस, डी थाईलैंड। आंसर, सी लाओस। एक्सप्लेनेशन, भारत के साथ सभ्यतागत जुड़ाव रखने वाले दक्षिण पूर्वी एशियाई देश लाओस रामलला पर टिकट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। टिकट पर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विराजित रामलला की प्रतिमा दर्शाई है। भगवान राम के साथ ही महात्मा बुद्ध पर भी पोस्टल स्टैंप जारी किया गया। लाओस के उप प्रधानमंत्री सेलुमिक्से कोमासित और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये विशेष डाक टिकट जारी किए। लाओस की यात्रा पर गए जयशंकर ने एक्स पर यह जानकारी दी। अगला प्रश्न, भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है जो अगस्त 2024 में आयोजित किया जाएगा? ए तरंग शक्ति 2024, बी गरुड़ शक्ति 2024, सी युद्ध अभ्यास 2024, डी विजय शक्ति 2024। आंसर, ए तरंग शक्ति 2024। एक्सप्लेनेशन, भारत अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 दो चरणों में आयोजित कर रहा है। पहला चरण 6 से 14 अगस्त तक सुलूर, दूसरा चरण 29 अगस्त से 14 सितंबर तक जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में लगभग 30 देश भाग लेंगे और 30 में से 10 देश अपने लड़ाकू विमानों के साथ अभ्यास में शामिल होंगे। तरंग शक्ति अभ्यास में LCA तेजस, मिराज 2000 और राफेल भाग लेने जा रहे हैं। अगला प्रश्न, UPSC का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? ए विभा आडवाणी, बी जयंती पटनायक, सी ममता शर्मा, डी प्रीति सुदान। आंसर, डी प्रीति सुदान। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रपति ने UPSC की सदस्य प्रीति सुदन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यह 1 अगस्त 2024 से अगले आदेश तक या 29 अप्रैल 2025 तक जो भी पहले हो UPSC के अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेगी। प्रीति सुदन 29 नवंबर 2022 से UPSC मेंबर के पद पर कार्यरत हैं। अगला प्रश्न, हमास नेता का नाम क्या है जो हाल ही में ईरान में मारा गया? ए खालिद मिशाल, बी इस्माइल हानिया, सी मसूद पेजेशिकिर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर, बी इस्माइल हानिया। एक्सप्लेनेशन, हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया को बुधवार सुबह तड़के ईरान की राजधानी तेहरान में मार दिया गया। वे ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकिर के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए थे। हमास चीफ को मारने के लिए इजराइल ने बहुत पहले से प्लानिंग बनाई थी। ईरान के अंदर मौजूद एजेंट की मदद से हानिया का काम तमाम कर दिया गया। इसे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का काम माना जा रहा है। अगला प्रश्न, भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 के अंतिम ग्रुप मैच में किस टीम को हराया? ए बेल्जियम, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी नीदरलैंड। आंसर, सी ऑस्ट्रेलिया। एक्सप्लेनेशन, भारत ने 52 साल बाद ओलंपिक के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया को हराया है। इससे पहले 1972 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दर्ज की थी। क्वार्टर फाइनल से पहले हरमनप्रीत सिंह की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराया। इसी के साथ भारत ने क्वार्टर फाइनल से पहले जीत की पटरी पर वापसी कर ली है। भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो में हुए पिछले ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता था।